दोस्तों पानी पालक को टेरिस पे उगाने के लिए बिल्कुल आसान टिप्स बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। और पानी पालक को आसानी से अपना टेरिस पे उगा सकते हैं दोस्तों। मेरा एक सीमेंट के हौदा टाइप में है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए जो डैमेज सिस्टम बनाया जाता है वो नहीं बनाया हमने। इसमें पानी देखिए आपका भरा हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए दोस्तों आप पानी पालक को ये टिप से आसानी से कितना अच्छी पानी पालक आप उगा सकते हैं अपना टेरिस पे, वो भी एक हौदा में दोस्तों। तो ये क्या है, सीमेंटेड एक हौदा है, इसमें होल पास नहीं है, मतलब नीचे है, डैमेज सिस्टम नहीं रखा हमने। इसमें देखिए पानी भरा हुआ है। तो पानी पालक दो तरह से आप कर सकते हैं, ग्रो बैग में सूखा मिट्टी में भी कर सकते हैं और पानी में भी कर सकते हैं। तो पानी में हमने देखा है, पहले हमने ग्रो बैग में किए थे लेकिन वो अच्छा नहीं हो रहा था। पानी में पानी पालक अच्छा होता है, इसीलिए इसके नाम ही पानी पालक है। तो आपको पानी पालक करना है हौदा में। हौदा में करने से ये होता है कि पानी पालक आपका देखिए कितना अच्छा हुआ। ग्रो बैग में जो हमने पानी पालक किए थे सूखा मिट्टी में, तो हमारा कैसे हुआ आप नीचे वीडियो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अच्छा नहीं ग्रो कर रहा था, लेकिन इसमें बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए कितना मोटा पानी पालक इसमें हुआ है। और दोस्तों इसकी हमने मिट्टी कैसे तैयार किए थे और ड्रेनेज सिस्टम इसमें तो है ही नहीं, आपको बता दिए। नीचे कोई शेड नहीं किया हमने इसमें, क्योंकि पानी में हमको करना था, इसलिए पानी पालक जिसके नाम पानी पालक हो पानी में अच्छा होता है। देखिए ग्रो बैग में अच्छा नहीं होता है। तो हौदा टाइप में आप एक ले लीजिए सीमेंट के। उसके बाद अब इसमें देखिए हमने आज हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ दोस्तों। हार्वेस्टिंग एक बार और हमने किए थे, लेकिन आज जो हार्वेस्टिंग हम कर रहा हूँ तो इसमें आपको बताएंगे कि कैसे हमने हार्वेस्टिंग किए। और दोस्तों तो इसमें क्या हमने किए है कि पानी पालक हमारा इतना मोटा हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए इसमें कितना मोटा हुआ है, और इसकी पानी पालक में कौन सा फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल किए है, और फर्टिलाइज़र में कौन सा फर्टिलाइज़र पानी में अच्छा काम करता है दोस्तों, वो भी बताएंगे। और इसके लिए मिट्टी हमने क्या लिए थे दोस्तों, इसके लिए मिट्टी वही जो हमेशा हर गार्डन प्लांट में हम देते हैं, 50% गार्डन सॉयल, 40% गोबर का खाद, थोड़ा सा धान के भूसी दिए थे जब इसमें सड़ गए थे, उसमें हमने पानी पालक को उगाने के लिए छोड़ दिए। और दोस्तों पानी पालक इसमें पानी में देखिए है, पानी इसमें ऑलरेडी है क्योंकि बारिश के मौसम में पानी इसमें ऑलरेडी है दोस्तों। तो ये पानी में हमने कौन सा फर्टिलाइजर देते हैं और अच्छा काम करता है, इसमें देखिए हमने फर्टिलाइजर में क्या देते हैं। फर्टिलाइजर इसमें अच्छा काम वही करता है, सरसों का जो खली होता है वो हमने इसमें हफ्ता में 10 दिन में एक बार दे देते हैं। पानी भरा हो तब भी इसमें अच्छा काम करता है, और कोई फर्टिलाइजर इसमें नहीं देते, बस वही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। और मिट्टी हमने 6 महीना पहले बनाए थे वही मिट्टी है। तो दोस्तों आप भी अपना आसानी से टेरिस पे एक बड़ा सा सीमेंटेड गमला में आसानी से, जिसमें होल पास आपको डैमेज सिस्टम नहीं रखना है, पानी भरा रहना चाहिए, उसमें मिट्टियाँ भर दीजिए। उसके जैसे इसमें पानी जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो बाहर से गिरने लगता है। तो इसमें ये होता है कि आपका बाहर से ज़रूर गिरने लगता है, लेकिन इसमें पानी आपका ये मान के चलिए पानी ऊपर से गिरेगा, लेकिन पानी में पानी पालक अच्छा होता है। तो दोस्तों आप टेरिस पे पानी पालक को उगा सकते हैं और अच्छे उगा सकते हैं बिना केमिकल के, इसमें कोई केमिकल नहीं है। आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, सरसों का खली, और मिट्टी हमने 6 महीना पहले इसमें बना के छोड़े थे, अभी करीब 3 महीना पहले इसमें हम ग्रो करने के लिए छोड़े पानी पालक को। तो दोस्तों पानी पालक को ये देखिए पानी में भी रहेगा और बेहतरीन होगा। हमने ग्रो बैग में किए थे पानी पालक, लेकिन ग्रो बैग में क्या है अच्छा नहीं होता। इसमें जो प्लांट अब देख रहा हो कितना मोटा हुआ, लेकिन ये चीज़ नहीं हुआ था, बस हो रहा था पानी पालक। चाहे जितनी फर्टिलाइजर देंगे लेकिन सूखा मिट्टी में अच्छा नहीं होता, जिसके नाम पानी पालक हो पानी में अच्छा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो कैसे लगे, अगर पानी पालक की वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। और दोस्तों चैनल पर अगर पहले बार आया है यानी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप, तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। गार्डन रिलेटेड इस तरह वीडियो जब भी हम अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो दोस्तों जब
आप सब्सक्राइबर कर लीजिए तो बेल आइकन आता है, बेल आइकन प्रेस कर दे तो उसमें नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड करते हुए नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये पानी इसमें भरा हुआ है, आपको दिखाते ऊपर से हमने हार्वेस्टिंग कर लिए पानी पालक को, और ये करीब 1 10 दिन 15 दिन में हम 15 दिन बाद फिर हार्वेस्टिंग करेंगे। और पानी देखिए इसमें भरा हुआ है, और देखिए कितना अच्छा बिना केमिकल के पानी पालक जो मार्केट में मिलता है, पता नहीं कहाँ से कैसे आता है, कहाँ फर्टिलाइजर या कहाँ से तोड़ के लाते हैं गंदे की जगह से, तो वो चीज़ आपका नहीं होगा, आप शुद्ध पानी पालक को उगा सकते हैं। खाली एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मार्केट से जो थोड़ा बहुत आप लेके आएंगे तो उसी को हमने इसको मतलब उगाने के लिए छोड़े थे। मार्केट से थोड़ा बहुत एक गड्ढे टाइप में आता है उसको हम लेके आए थे, उसके बाद इसमें हम लगा दिए थे अच्छा देख के, तो वही हमारा आज ग्रो कर रहा है। ये बिना केमिकल के दोस्तों पानी पालक आप भी उगा सकते हैं।